भारत श्रीलंका के बीच एशिया कप 2022 के सुपर फोर का मुकाबला खेला जा रहा है। टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला फाइनल में पहुंचने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बात करें मुकाबले की तो श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर के पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई और टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही। बात करें भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की तो केएल राहुल, रोहित शर्मा टीम के लिए ओपनिंग करने आए और दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लग गया। टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज और टीम के उपकप्तान केएल राहुल दूसरे ओवर की पांचवी ही गेंद पर LBW होकर के पवेलियन वापस लौट गए। केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने अपनी पारी के दौरान 7 गेंदों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने कुल 6 रन बनाए और एक चौका अपनी पारी के दौरान लगाया। उनका स्ट्राइक रेट 85.71 रहा। केएल राहुल की बात करें तो वे लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और ऐसे में भी वे टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण मैच में भी स्कोर नहीं कर पाए। इसके तुरंत बाद ही टीम इंडिया को अगले ओवर की चौथी गेंद पर ही विराट कोहली के रूप में भी बड़ा झटका लगा। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली 4 गेंदों में 0 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर के पवेलियन वापस लौटे। आपको बता दें कि केएल राहुल की पिछली 10 पारियों में उनका एक ही अर्धशतक आया है जो कि उन्होंने बहुत पहले लगाया था। ऐसे में अब केएल राहुल की बल्लेबाजी और साथ ही केएल राहुल के लिए टीम इंडिया एक बड़ी चिंता बन चुकी है। क्या कुछ होगा है तो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।